the वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ function ऑफ द of of equal टू तो अगेन अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है x is equal to zero पर discontinuous है ठीक है बिकॉज x is equal to zero पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है है ना तो so x is equal to zero पर हमारा फंक्शन है discontinuous. तो so अब हम क्या करेंगे हमें बताना है क्या जंप वैल्यू जंप वैल्यू क्या आती है लेफ्टिमिट माइनस सॉरी राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्टिमिट तो जंप वैल्यू हो जाएगी हमारी जंप वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट माइनस अब राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं ओके okay? तो राइट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी हम जीरो पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो जीरो प्लस हो जाएगा तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फिर क्या हो जाएगी वैल्यू ये हो जाएगा वन माइनस

हमारे पावर वन बाई एक्स है के ग्रेटर वन वाई एक्स ये भी कहा किसान मेंस में क्या हो जाएगा k की पावर वन बाई एक्स जो होगी वो कहाँ अप्रोच करेगी लेस देन वन की पावर अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो वैल्यू अप्रोच करती है जीरो पे तो जाएगा वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो तो ये वैल्यू जाएगी इक्वल टू वन नाउ अब अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमें दो केस लेने पड़ेंगे सिंपली तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट में क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस हो जाएगा और आ जाएगा वन माइनस के रेस्ट पावर वन बाय एक्स अपॉन वन प्लस के रेस्ट पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू हम केस वन लेते हैं मोड ऑफ के इज ग्रेटर देन वन तो अगर मोड ऑफ के इज ग्रेटर देन वन तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस केस में हमें पता है एक्स टेंस टू जीरो माइनस है तो वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा हो जाएगा टेंस टू माइनस इन्फिटी और k की पावर माइनस इन्फिटी ये हो जाएगा इंडायरेक्टली वन अपॉन के की पावर इन्फिटी और इफ मोड ऑफ k इज ग्रेटर देन वन तो ये क्या हो जाएगा ये वैल्यू अप्रोच करेगी किसको टेंस टू जीरो तो इंडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो तो वैल्यू हो जाएगी वन और इफ मोर

तब भी हमारी जो जंप जंप वैल्यू वैल्यू आई आई वो वो क्या वो क्या minus one, minus, क्या आ गई उसमें से हम उसकेगा तो LHL करेंगे तो क्या जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू टू तो दोनों केस में जंप वैल्यू आई इक्वल टू टू सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी